हेलो गाइस, तो नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, पम्मी प्रेरणा ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हमें फिर जाना है डेली, मतलब कि ना भागम भाग, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आज कौन जाना हो भाई? मेरी कोलैब जो करवाती है ना, उससे फ्रेंड है, उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे, मोदीनगर जाना। तो गाइस, आज जाना भैया जन्मदिन में, फर्स्ट बर्थडे है, जो कोलैब वोलैब करे सारी फ्रेंड्स जा रही है। तो सारी फ्रेंड जा रही है इसकी, तो हमें तो जाना पड़ेगा भैया, सॉरी ढोकर। पता है बहुत सारे कोलैब वाले कह रहे प्लीज आना। मैं बस एक पेज की बस आई हूं, कनेक्शन करके एक बेलो, मुझे इतनी बार बोला मेरा जाने का मन कर गया, पहले मैं जा रही नहीं, तो जा रही। तो अभी हम जा रहे हैं कमला नगर, काय को जा रहे हैं, गिफ्ट लेने आना होता, गिफ्ट लेने जा रहे हैं। कल गए गिफ्ट लेना है, कल सोमवार है तो सारी मार्केट बंद ही। तो अब फिर उठते ही जूस पिया है ओम को, और अब फिर जा रहे भैया कमला नगर गिफ्ट विफ्ट लेना। फिर सो हम कितने बजे के प्रोग्राम? 8 बजे का मोतीनगर, मैंने देखा 20 किलोमीटर आ रहा, 40 मिनट दिखा रहा। वो चल कर जल्दी से फिर आके सोना भी है। सोना भी है अभी, सो के उठे हो, जाने आना है फिर सोना है। सो के जिंदगी बिता देना आप अपनी। तो चलो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको भी कहाँ गिफ्ट लिया है, और बाकी मिलते हैं कमला नगर पहुँच कर। जय बाबा। तो गाइस हम आ गए हैं कमला नगर, और भैया गुन्नू ने लिए एक अपने लिए ड्रेस, बहुत प्यारी ड्रेस है, और हम अभी खा रहे हैं। प्यारी लग रही थी, मेरे में लग रही थी। तेरे पे पता क्यों लग रही है? क्योंकि तू अभी एक बालक की। पता है माँ क्या कह रहे हैं अंदर? ये नहीं बोल रहा एक्स्ट्रा फैट, कह रहे तू तेरा गंदा फैट है ना, गंदा फैट। मैं हंस रही थी अंदर ट्रायल रूम में, सुना था गंदा फैट। तो गाइस हम अभी फेटीज खा रहे हैं तीनों, और गुन्नू की ड्रेस जो है ना, गुन्नू पे सूट हो रही है क्योंकि उसका पेट वेट ज्यादा बाहर ना है, नॉर्मल है। और हमारी मैडम का पेट थोड़ा बाहर है क्योंकि भैया एक बालक हो गया है, तो उसकी वजह से अब मतलब एक बालक वाली क्या, चार चार बालक वाली भी स्लिम है होते, तो खाने पे कंट्रोल होएगा जब भी, तो स्लिम होएगा उसका भी। तो कह रही हूं। देखो गाइस सबसे बड़ी बात, खाने पे कंट्रोल होगा ना, हकीकत बता रहा हूँ, एक महीने के अंदर बहुत कम वेट हो जाएगा, और जो वैसा फैट है ना, आवारा फैट, वो सब चला जाएगा। अब देखो इनके पेट बाहर ना आएंगे तो किसके आएंगे, जीव इनकी चटोरी है। रात को 2-2 बजे ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, फिर मेरे तक कहवे कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, मैं भी पहनूं। अरे हाँ, हिंडस पूरी करेगी, मैं भी ऐसी पहनूंगी। अरे जरा पैर का देखी ना, ऐसा लग रही डोमड़ू। फिर मैं इससे कह रहा, मगर तू सूट में अच्छी लगे, सूट पहनेगा। तो गाइस कोई ना, मैं मतलब कि पता है इसके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, मगर इस पे मेहनत ही नहीं होती। जब जब तू बोलता है ना डाइट करवाऊंगा, जब जब मेरा खाने मन करता है। अब बताओ देख कैसे पार्ट रही दबा गए। तो चलो मिलते हैं, अब देखते हैं यू क्या ड्रेस लेती है, उसकी तो होगी डन, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं बैठा हूँ गाड़ी में, और गुन्नू और निशि गए है भैया गिफ्ट लेना है। मैंने कि मैं तो नहीं जा रहा, धूप इतनी उड़ गई है, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ अपना एसी चला के। तो अब देखो ना कितना टाइम लगेगा, फिर जाएंगे अपना थोड़ी देर, एक आध घंटा सोऊंगा मैं, तो फिर तैयार वैयार होएंगे, सोच ही हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। जय बाबा। और ऐसी प्यार बनाए रखो, ऐसी सपोर्ट करते रहो, दो चार चढ़ने वाले हैं वे चिढ़ते रहो, बाकी उनको इलाज भी बंद रहो है, और बंद जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है गाइस। और बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताई है, सारी चीज़ें शेयर करी जाएगी, क्या हमारे साथ हुआ है क्या नहीं, सब चीज़ें शेयर करी जाएगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग कह रहा हूँ थोड़ी देर में। बैठ गए गाड़ी में और हम आ गए एक स्टोर पे, जहाँ पे बहुत सारी स्लीपर्स में ना सेल लगी हुई है, मैंने एक ट्राई भी कर ली है, और उसका आ रहा है पेयर, और इसको जो पसंद आ रही है वो मिल नहीं रही, पर इनके पास कलेक्शन बहुत धौस हुआ है, बहुत बढ़िया। हम फर्स्ट टाइम आए हैं स्टोर में, बाकी मेरी शक्ल बहुत बुरी हो रही है, इसलिए अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तीन जोड़ी स्लीपर्स ले लिए गुन्नू ने, कुछ ये लिया, इसकी ड्रेस गाड़ी में पड़ी है, और गिफ्ट भी ले लिया हमने, वो पैक हो रहे हैं वहाँ पे गिफ्ट हमारे पीछे शॉप पर। यहाँ हम ड्रेसेस देखने आ गए बेबी की, जिसके बर्थडे फंक्शन में हमें जाना है। ये अच्छा लग रहा है, और पम्मी अभी भी गाड़ी में मज़े मार रहे हैं। शॉपिंग करके हम लोग चल दिए घर को, और हटियो गुनू गिफ्ट वो बड़े पीछे आ गए इसकी शॉपिंग, घूंघट कर जल्दी,
गाइस ये गया था अपने घर और फिर वहां से फिर हमने इसको दोबारा वापस लिया। इसके हाथ पे पट्टी हो रही है ना अभी काफी ज्यादा, अभी इसका ठीक हुआ नहीं है तो इसलिए ये घूंघट में रहता है क्योंकि डस्ट नहीं जानी चाहिए। पुनीता नाम है इसका, पुनीता। थप्पड़ मार रहा है, लैपटॉप घुमा दूंगी, यहाँ से कितनी देर तक मारेगा मुझे। यहाँ भी ले चलो ऐसी पार्टी में, चले गए ऐसी पार्टी में एक हाथ से लत्ती। ओए पम्मी के घर लत्ती उड़ गए, ऐसी चल लियो कफ्तान पहन के, चल लियो कफ्तान टॉप नहीं होता मेरे वो पहन लियो, उसमें से चोट लग जाएगी। तो गाइस हम घर को जाएंगे, 3 बज गए, नहाएंगे धोएंगे तैयार होने लग जाएंगे, फिर पार्टी में चले जाएंगे, फिर पार्टी में खाना खाएंगे, फिर घर आ जाएंगे, फिर घर आएंगे थोड़ा सा लूज होएंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। ए क्यों पम्मी हाथ मिला, गाड़ी चला ले हाथ मिला रहा। सो चलो गाइस बहुत धूप हो रही है, बाहर मत निकलो, देखो हम तो बदतमीज है, आप सही रहो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और फाइनली इसने ड्रेस बाय करी है, मैंने नहीं करी, मैंने केसरी से मंगाई है जहाँ से मैंने नोना की बर्थडे आउटफिट ली थी। गिरी हुई है। और गाइस पता है केसरी से मैंने कौन सी ड्रेस मंगाई है, जो इसकी है, इसी के साइज की फिट हुई हुई है। ये ड्रेस इसने ही बाय की थी, इसका सारा मतलब ड्रेस व्रेस सॉरी सब इसका है, फिटिंग इसकी है, पेमेंट कहना चाहती है वो मेरा है, मतलब सब कुछ इसका है, पेमेंट इसकी है, सब इसकी है। पर हाँ अब इससे मैंने ये ड्रेस ले ली है, मैंने इससे बाय करी है, इसने केसरी से बाय की थी, मैंने इससे बाय की है क्योंकि ये वाली ड्रेस नहीं पहन रही थी बट ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। आज जो हम फंक्शन में जा रहे हैं वहाँ मैं ये आउटफिट पहनने वाली हूँ एंड इसकी वजह से इसने एक चप्पल की दुकान में मुझे घुसाया, मुझे लगा सस्ती मिलेगी, नया शोरूम खुला था तो मुझे वहाँ से गलती से 3 जोड़ी चप्पल लेनी पड़ी जिसमें आपको दिखाती हूँ, एक है 1499 की, एक है 1399 की और एक है 1199 की। और इसने लिया है गाइज एक ड्रेस जो कि है 200 की, ओ 000 की सॉरी, 2000 की ड्रेस इसने ली है भाई। और इससे तो मैं लेटी है, फ्री के कपड़े मिला है इन्हें तो फिर पैसे खर्च है तो इनका जी दुखे नहीं, मेरे को कपड़ों पे खर्च करने में मेरा। सो गाइज अगर आपको मेरी स्लीपर्स देखनी है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी, प्लीज़ ओपन गुनू ऐसे मत कर, अपनी भी लेके आओ 3 जोड़ी जा। तो गाइज फर्स्ट वन इज दिस, मेरे पास कोई ग्रीन कलर की बेली नहीं थी गाइज, जो इसकी मेरी भी फॉरएवर से है बट हाँ इसकी ऑनलाइन आई है कोलैब में बट वो बहुत अच्छी है। और आप लोगों को पता है मुझे चप्पलों का बहुत हद तक शौक है, हील्स वगैरह का मैं 3 डब्बे किचन में, किचन में सो मैंने तो फॉरएवर से लिए है, कमला नगर में अभी इनका न्यू स्टोर ओपन हुआ है तो बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बहुत डिस्काउंट पीसेस मिल रहे थे एंड लुक एट दिस जस्ट वाओ ना। मेरे पास वाइट कलर की कोई हील नहीं थी, इसमें ना थोड़ा येलो ही शेड है ये देखो। अरे ये तो पम्मी के ब्लॉग में बता रही हूँ मैं ये सब चीजें, ओ मैंने तो अब देखा इनका ब्लॉग बना रही हूँ मैं। एंड गाइस दिस वन इज, ये है 1199 की, 1200 की, फ्लैट्स मैं लेती नहीं हूँ बट यार ये वर्थ इट है। मतलब ना एक तो सबसे बुरी बात पता है क्या है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये देखो बुरा माइनस पॉइंट है बट इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने बाय कर ली। एंड अब कशिश की जो स्लीपर्स है ना ये जस्ट वाओ है, अभी देखो। सो गाइज इसकी जो स्लीपर्स है ना ये देखो जस्ट वाओ, इनका पैटर्न बिल्कुल अलग है, ये वाला पैटर्न ना मैंने अभी कहीं नहीं देखा, ये बिल्कुल यूनिक स्लीपर्स है ये वाली ब्लैक वन। और इसको मैंने कुतिया को बोला था तेरी फ्री में ही आ रही थी तो एक आधा साइज छोटा मंगा देती मैं पहन लेती, तो उनको बोल दे मुझसे भी कोलैब करा ले, मेरा भी अच्छा रिस्पॉन्स है। गाइज ये तो मतलब हो गया पुराना पैटर्न है, बढ़िया है, पर ये वाली इस पर मेरा दिल आ गया, ये भी अच्छी है, 100 है बट ये वाओ है। और मेरी बताना कि कौन सी अच्छी है, एक तो ये वाली है मेरे को सबसे अच्छी ये लग रही है और एक ग्रीन है, ग्रीन एक बार मेरी खोल के दिखाइयो। क्या कर रहे हैं हम, चप्पलें बेक रहे हैं क्या यार। सो गाइस ये है ग्रीन कलर की, आप देख सकते हैं फॉरएवर की जस्ट वाओ स्लीपर्स है। मैं ये मोची से मुझे मुंह पर रैप्टा मारूंगी ना, डाल वापस अंदर, तेरी बहुत अच्छी है। नहीं मतलब सो गाइस चलो यहां पे, हां तो वैसी है। सो यहां पे देख लो मेरे आउटफिट वगैरह सब हो गए हैं स्लीपर्स, और अब मैं दिखाती हूं आपको पम्मी क्या कर रही है। पम्मी ओ रगड़ रोटी खा रहे होंगे अंदर, देखो गाड़ी का क्या हाल हो रहा है, अभी ये वॉश करूंगी। पम्मी पम्मी खाना खा रही है गाइस, सुन नहीं रही इसलिए। चलो धूप, ओ माय गॉड कितनी तगड़ी धूप हो रही है गाइस, तो चलो हम सब पैक कर लेते हैं। ओ मेरी चप्पल मेरे पीछे पैर के देख रही थी कुतिया। पकड़ी गई रंगे हाथ। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, मॉइस्चराइजर लगा लिया और ये देखो सो गए, और कशिश बैठी है बाहर, पता नहीं क्या कर रही है यहाँ, लेटी पड़ी है गर्मी में। और चलो ये वाले ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, हम रेडी शेडी होंगे एंड वी आर वेरी कंफ्यूज कि हम क्या पहने, पता है हमने दो आउटफिट निकाल लिए बट एक आउटफिट या अभी जो बाय करके लेके आई है ना पिंक कलर का उस पर अब मेरा दिल आ रहा है, पर यार मैं ना जो भी बॉडी कॉन ड्रेस पहन रही ना उसमें मेरा टमी बहुत ज़्यादा दिखता है तो मैं बस इस रीज़न से नहीं पहन रही, बट अब मेरा मन कर रहा है कि हाँ मैं इसका वाला ड्रेस पहनूँ
बट ये मुझे दे नहीं रही, मैं इसको 2000 रुपये में खरीद रही हूँ जब भी नहीं दे रही। तो चलो गाइस पहले व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना हमारे लुक, हम लोग कैसे लगने वाले हैं। बाय।